नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। दबंगों ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का निकाला जनाजा। इटावा में सामूहिक बलात्कार के बाद पीड़ित लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश। प्रतापगढ़ में भी काटी थी बलात्कार पीड़िता की जुबान। सनसनीखेज वारदातों के बाद नेताओं की संवेदनहीनता आई सामने। सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा, 21 करोड़ की आबादी में ऐसी छोटी छोटी वारदातें तो होती रहती हैं। शर्मनाक बयान। यूपी पुलिस का रवैया भी शक के दायरे में। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने पीड़िता के उलट दिया बयान, कहा लड़की ने खुद को आग लगाई। गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी ने दी सफाई, कहा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने मुझे दी है क्लीन चिट, खुद को बताया हिंदू राष्ट्रवादी। उत्तराखंड तबाही के बाद डेरा सच्चा सौदा ने किया ऐलान, आपदा में विधवा हुई 1500 महिलाओं से शादी करेंगे डेरा अनुयायी। चमोली में ग्लेशियर पिघलने से बनी झील से खतरा और बढ़ा। बद्रीनाथ और जोशीमठ प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। विजय बहुगुणा की कैबिनेट की देहरादून में हुई अहम बैठक। राज्य में केंद्र के खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। इलाहाबाद में हत्या के बाद हुआ जमकर बवाल, आक्रोशित लोगों ने की तोड़फोड़, पुलिस पर भी की पत्थरबाजी। और गाजियाबाद में रंजिश के चलते बदमाशों ने एक परिवार पर की फायरिंग। हमले में दो भाई घायल, भाग रहे बदमाशों में से एक को भीड़ ने पकड़ा, मारपीट कर मार डाला। ये वारदात गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर की है। आपदा से उजड़ी मांगों में फिर से भरेगा सिंदूर। विधवाओं के जीवन साथी बनेंगे डेरे के सच्चे अनुयायी। देखिए फिर भरेगी मांग। आपदा आई तो कई घर उजड़ गए। गुलजार रहने वाले गांव के गांव मातम की काली छाया से घिरे हुए हैं। जिन घरों में चहल पहल होती थी, खिलखिलाहट गूंजा करती थी, वो घर सन्नाटे की चादर में लिपटे हुए हैं। कई सुहागिनों की मांगों का सिंदूर मिट गया। कई इस इंतजार में बैठी हैं कि शायद उनके पति लौट आएंगे। हर आहट पर आंखें दरवाजे की ओर उठ जाती हैं, इस उम्मीद में कि शायद मौत को मांस देकर उनके माथे का सिंदूर लौट आया हो। इसी इंतजार और उहापोह के बीच डेरा सच्चा सौदा के सुप्रीमो गुरमीत सिंह राम रहीम ने ऐलान किया कि डेरा के 1500 अनुयायी विधवाओं की मांग भरने के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे पर अब तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। सबसे बड़ा जो तर्क है वो तर्क ये कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह को ये बयान देने की जल्दबाजी क्या थी। सबसे बड़ा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जब कोई किसी के घर में मर जाता है, दिवंगत हो जाता है, उसके घर में जाकर उसकी विधवा को, उसकी पत्नी को ढांढस बंधाते वक्त यह कहा जाता है, कह रहे तेरा भाई तो है, पति नहीं, ठीक है, दुख है, लेकिन तेरा भाई तो है। कोई यह नहीं कहता कि ठीक है पति नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूं, शादी कर लूंगा। बहुत डेरोगेटरी रिमार्क भी कहा जा रहा है इसको। लेकिन यह बयान क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, इसके पीछे के आशय क्या हैं, जनता इन बयानों को कैसे लेगी, इन सभी मुद्दों पर आज हम एक घंटे तक बहस करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं,
आप दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे साथ दिव्या गिरी जी हैं, आप महंत हैं। नारायण गिरी जी हैं, आप महंत हैं, धर्माचार्य हैं। आप दोनों का मैं विशेष स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, आप देहरादून से हमारे साथ हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और भाई सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके इस संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करूंगा, पूरी गंभीरता के साथ बात करूंगा। और हां, एक बात और, हम जनता जनार्दन का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन इस बहस में सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो हमें फोन करें और फोन करके अपनी राय रखें, लेकिन अभी नहीं, ठीक 15 मिनट बाद यानी 8:20 पर हम उनसे फोन पर बातचीत करने का सिलसिला शुरू करेंगे। इसलिए अभी फोन न लगाएं, 15-20 मिनट के बाद आप कॉल करना हमें शुरू करें। तो देखा जाए तो डेरा प्रमुख के ऐलान में कोई गलत बात नहीं, लेकिन तमाम धर्मगुरु सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस ऐलान के वक्त को लेकर संशय क्यों। धर्मगुरुओं के मुताबिक ये जल्दबाजी में की गई घोषणा है। इतना ही नहीं, सवाल तो इसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी खड़े होंगे, क्रियान्वयन कैसे होगा, आखिर किस तरह से इस घोषणा को अमली जामा पहनाया जाएगा। कहीं जल्दबाजी में की गई ये घोषणा दोधारी तलवार साबित ना हो जाए। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद हर तरफ दिखा तो बस दर्द का सैलाब, आंसू और बेबसी, बेबसी सब कुछ तहस नहस हो जाने की, खून पसीना एक कर जो जोड़ा उसके एक झटके में खो जाने की। लेकिन कर भी क्या सकते थे, कुदरत की मार ही ऐसी पड़ी थी। जो बच गए वो त्रासदी को याद कर अभी भी सिहर उठते हैं। तबाही की ऐसी ही मार पड़ी उत्तराखंड की उन बेटियों पर जिनके सुहाग आपदा ने छीन लिए, जिन्हें जीते जी जिंदगी भर का दर्द झेलने को छोड़ गए उनके अपने। ऐसी ही विधवाओं के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने ऐलान कर दिया। ऐलान ये कि पंथ के 1500 अनुयायी उत्तराखंड त्रासदी में विधवा हो चुकी महिलाओं से विवाह करने के लिए तैयार हैं। देवली ब्रह्मग्राम के कई पुरुष हादसे वाले दिन काम के सिलसिले में केदारनाथ में ही मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक उनमें से कई बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। हमारा उद्देश्य इन महिलाओं का जल्द से जल्द पुनर्वास करना है और इसी कोशिश में उनके लिए नया जीवन साथी खोजने की मुहिम शुरू हो चुकी है। जो महिलाएं दोबारा शादी नहीं करना चाहती हैं, उन्हें जीवन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए मदद दी जाएगी। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने ये घोषणा उत्तराखंड आपदा के लिए 33 ट्रकों की राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाने के बाद की। डेरा प्रमुख ने ये बात देवली ब्रह्मग्राम को लेकर कही, जिसे आपदा के बाद अब विधवाओं का गांव कहा जा रहा है। आपदा के बाद से यहां के कई पुरुष घर नहीं लौटे हैं। अब उत्तराखंड के कई धर्मगुरु डेरा प्रमुख के इस ऐलान को जल्दबाजी में उठाया गया कदम मान रहे हैं। ये तो जल्दबाजी है, अगर ऐसा स्वामी जी ने कहा ये उनके लिए जल्दबाजी है। और वो तो उनके ऊपर है, वे लोग, वो महिलाएं शादी करना चाहेंगी या नहीं करना चाहेंगी, हो सकता है वो शादी ना करना चाहें। वो ईश्वर का भजन, कोई संध्या भजन, कोई सन्यासी बन सकती है, कोई और दूसरे धार्मिक काम में लग सकती है। नहीं, हम लोग बिल्कुल बाबा जी की बात पे सहमत नहीं है। पहले हमें पूर्ण रूप से उनका सहयोग करना चाहिए, उनको देख लें, भाल लें अच्छे, तब उनके लिए कुछ करें। धर्मगुरुओं की माने तो कहीं ना कहीं ये बात सच लगती है कि डेरा प्रमुख ने विधवाओं की दोबारा शादी कराने की बात कहकर जल्दबाजी दिखाई है। सरकार ने भी लापता लोगों को मृत घोषित करने की समय सीमा तय कर रखी है, जिसमें अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। उम्मीद है कि लापता लोगों में कई वापस लौट आएं। फिर इस ऐलान को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ ऐलान कर देने से विधवाओं की समस्या खत्म हो जाएगी? आखिर कैसे इस काम को अमली जामा पहनाया जाएगा? जब तक इसकी पूरी रूपरेखा ना बन जाए तब तक ऐसी घोषणाएं करना कहां तक सही है? हरिद्वार से शोभित वर्मा के साथ रणविजय सिंह, समाचार प्लस। चलिए, चूंकि इस मुद्दे विशेष का जो सामाजिक पक्ष है उससे ज्यादा प्रभावी और उससे ज्यादा प्रबल ये धार्मिक पक्ष है, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, हो सकता है मैं गलत हूं, आप लोग दुरुस्त करेंगे। आप लोग राजनीति के विद्वान हैं, अमिताभ जी पत्रकारिता के क्षेत्र में विद्वान हैं और धर्माचार्य हमारे साथ हैं, आप लोग मुझे दुरुस्त करें। मेरा यह मानना है कि जो मुद्दा है
अब इस मुद्दे में सामाजिक पक्ष से ज्यादा प्रबल धार्मिक पक्ष भी है और धार्मिक और सामाजिक पक्ष एक दूसरे के पूरक ही हैं, क्योंकि धर्म से समाज निर्मित होता है और कहीं ना कहीं जो समाज है वो धर्म को आगे बढ़ाने का प्रचार प्रसार का काम करता है, जैसा मुझे लगता है। मैं नारायण गिरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये जो ऐलान किया गया, इस ऐलान के पीछे की मंशा क्या आप देखते हैं और इस ऐलान को आप कैसे लेते हैं महंत जी? जी 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 अग्निहोत्री जी, ये अग्निहोत्री जी, ये ऐसी बात है कि देखिए कि मैं इस तरह से जो ये एक तरह से इस टाइम में दुखी घटना है और विशेष करके हमारी सब संवेदना पूरे देश की उन महिलाओं के साथ में, पुरुषों साथ, सभी उत्तराखंडी वालों के साथ में है और ऐसे समय में ऐसी परिस्थिति के अंदर में अभी तो हमारा दुख का घड़ी अभी हम लोग सामान्य स्थिति में आए भी नहीं है। आप एक तरह से, आप तो बहुत बड़े विद्वान है अग्निहोत्री जी, की व्यक्ति को कम से कम जो है सामान्य स्तर पर आने के लिए, उसको सामान्य स्तर पर आने के लिए समय उसको चाहिए और अभी तो उसके साथ में ऐसी घटना हुआ है, वो दुख से उभरे भी नहीं है। तो ऐसे लोग कोई जो बात करते हैं वो ध्रुम ग्रुम नहीं है, वो मानसिक रूप से वो रोगी हो चुके हैं और इसको मैं जो है ये कहूंगा कि वो पागल हो चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में इसको बयान देना किसी भी तरह से वो शोभनीय नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं जी। महंत दिव्यागिरी जी, आपके विचार में ये इस तरह का जो अनाउंसमेंट है ये क्या दिखाता है? देखिए, ये तो जल्दबाजी का है तो शायद छोटा होगा। मेरे हिसाब से अगर इसको बहुत अच्छे से देखते हैं अगर हम, और निजता से भी हटा देते हैं, तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसमें कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनसे आप शादी कर सकते हैं। बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप छूट जाएगा जो आपकी माताएं लगती होंगी, उनका आप क्या करेंगे? और घोषणा कर देने से वो समस्या नहीं सॉल्व हो जाएगी आपकी। अगर उसके पीछे वाकई आपकी मंशा है कि वो अच्छे से उस स्थिति से उभरे, तो बहुत ऐसे तरीके हैं जिनको आप पुनर्वास कह सकते हैं या उन तरीकों को कह सकते हैं। ये तो एक बाद की स्थिति है कि आप उनको इस रूप में शादी के रूप में लाएं, उसके पहले उनकी रोटी कपड़े और मकान की जरूरत होगी। अगर वाकई आप उनकी मदद करना चाहते हो तो इस रूप में करें, और जल्दबाजी का हमें तो कहीं से ये जल्दबाजी नहीं लग रही है। वो तो बहुत अच्छे से सोच समझ के उनसे मानसिकता नजर आ रही है कि वो इस महिलाओं के प्रति इतने ज्यादा उदार हैं, इतनी अच्छी उनकी सोच है, नमन करते हैं मैं से, परंतु हमें तो नहीं लगता है कि बहुत कारगर और इनका बहुत उचित निर्णय है। ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं कर पाएंगे और अगर इम्प्लीमेंट की बात कहें तो शायद वो नगण्य होगी जी। मुन्ना सिंह चौहान साहब, क्या ऐसे अनाउंसमेंट व्यभिचार को बढ़ावा देंगे? क्या ऐसे अनाउंसमेंट करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो वहां पर विधवाएं हैं, जो वहां पर महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पतियों को खोया है, क्या वो किसी डेरा की प्रॉपर्टी होने जा रही हैं? क्या ऐसे ऐलान करके और ऐसी बातें करके हम पूरे प्रदेश का और देश का मान कम कर रहे हैं क्या? क्योंकि इस वक्त तो उन महिलाओं के पुनर्वास की जरूरत होनी चाहिए। अभी वो अपने मातम से नहीं उभरी, आप शहनाई बजाने के चक्कर में हो। अतुल जी, पहले तो मैं हमारे अभी जो दोस्त आदरणीय संतों ने विचार व्यक्त किए, नारायण गिरी जी ने और दिव्य गिरी जी ने, उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं। और डेरा सच्चा सौदा, जैसा उनका डेरा का नाम है, सच्चा सौदा मेरे ख्याल से मानवीय संवेदनाओं को भी वो सौदा ही समझ बैठे हैं। मुझे बहुत आघात लगा, ये कोई पशुओं का बाड़ा नहीं है, कोई पशुओं का बाड़ा नहीं है, और विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में जब हम कोई बात कहते हैं, यदि हम पूरे भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो जीवन पद्धति है, जिसमें कहा जाता है यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, ये जुमला ही सही, इसके वैज्ञानिक तथ्य या चर्चा या परिचर्चा तर्क और कुतर्क में जाने की जरूरत नहीं है, जुमला ही सही, ये हमारे समाज का आधार बिंदु है। मेडिकल की भाषा में मैं कहूं, ये सोसाइटी का एक, जिसे कहना चाहिए, मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। भौतिक शास्त्र की भाषा में कहूंगा तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सोसाइटी का जी। और जिस हल्केपन में
जिस बाजारू भाषा में डेरा सच्चा सौदा की तरफ से यह बात कही गई वो केवल आपत्तिजनक नहीं है, वो किसी विकृत मानसिकता का भी द्योतक है। मैं दो चीजें इसमें बहुत इस